बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। वी आर रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज एहसन अली एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग गौहर कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 6 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट नंबर 6 इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, इन लेक्चर नंबर 4 वी विल डिस्कस द इंटरफेस ऑफ स्क्रैच। Interface of Scratch. The Scratch user interface is the area on your screen where the Scratch programming exists. तो Scratch का interface क्या है? जो screen में नज़र आती है, जैसा हमें Scratch नज़र आता है वो क्या है? Scratch का interface है. The screen is divided into multiple sections or panes which have different functions from the picking blocks to code with writing code to seeing your code in action. तो हमारे जो सा इंटरफेस है यानी कि जो स्क्रीन है उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस तरह? कुछ ब्लॉक्स का हैं, कुछ हमारा वर्किंग एरिया जहाँ पर हम कोड लिखते हैं और कुछ हमारा आउटपुट एरिया है जहाँ पर हम आउटपुट देखते हैं। वी विल गो थ्रू द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द इंटरफेस। हम देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरफेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है द ब्लॉक पेन। The block palette is where all the code blocks exist. Blocks are colored by category. These blocks can be dragged to the script area to either code the spirit or the stage. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? कोड पैलेट है। यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लुक, साउंड और इवेंट्स और मोशन है। स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारे ये कोडिंग के ब्लॉक्स हैं। हम इनको क्या करते हैं? ड्रैग करके अपनी स्टेज पर लेकर जाते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, हमारी कोडिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है द स्क्रिप्ट एरिया। द स्क्रिप्ट एरिया इज़ वेयर योर कोड इज़ ड्रैग्ड एंड असेंबल्ड। तो स्टूडेंट, जैसे आपको बताया कि हमने पीछे ब्लॉक पैलेट देखा, वहाँ से हम क्या करेंगे? एक एक ब्लॉक को ड्रैग करके इधर लेके आएंगे। जब हम यहाँ पर लाएंगे तो हम क्या कर रहे होंगे? दरअसल कोडिंग कर रहे होंगे। द स्टेज एरिया। द स्टेज एरिया इज वेयर यू कैन सी योर कोड कम टू लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड इवेंट ब्लॉक एट द स्टार्ट ऑफ योर कोड, वी कैन क्लिक द ग्रीन फ्लैग टू ट्रिगर द कोड वी रोट। स्टूडेंट्स, ये दो स्टेजेस की आपको एग्जाम्पल बताइए। यहाँ पर ये सिंपल सा स्टेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्प्राइट भी कहते हैं, ये भी बैठा हुआ है, ठीक है, खड़ा हुआ है, नो मोशन। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो सा पहला ऑप्शन होता है गो ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, जब हम उसके ऑप्शन को कोड में लेकर आएंगे यानी कि स्टेज पर लेकर आएंगे तो क्या होगा? जब भी हम उस ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या साइन कहेगा? हेलो ऊपर लिखा आएगा। इसका मतलब क्या है? हमारा आउटपुट जनरेट हो रही है। जब भी हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? हेलो लिखा हुआ आएगा। द स्प्राइट इन्फो पेन। द स्प्राइट इन्फो पेन इज वेयर वी कैन फाइंड इन्फो अबाउट आर स्प्राइट्स एज वेल एज मैनिपुलेट देम। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? हमें अपने स्प्राइट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया ये स्प्राइट 1 है, इसके बाद हम स्प्राइट 2 भी लेकर आ सकते हैं, स्प्राइट 3 भी लेकर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? इन स्प्राइट्स के ऊपर काम करते हैं, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्सेस दिस पेन बाय क्लिकिंग ऑन द थंबनेल ऑफ द डिजायर्ड स्प्राइट। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन नज़र आएगा। दिस एरिया आल्सो अलाउज अस टू डिलीट एंड क्रिएट न्यू स्प्राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको स्प्राइट नज़र आ रहा है, उसी के ऊपर आपको एक बकेट भी नज़र आ रही है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला स्प्राइट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हम नया स्प्राइट भी लेकर आ सकते हैं। द कॉस्ट्यूम पेन। द कॉस्ट्यूम एंड बैकग्राउंड पेन कैन बी एक्सेस बाय क्लिकिंग द मिडल टैब इन द बिटवीन कोड टैब एंड द साउंड टैब। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कॉस्ट्यूम टैब नज़र आएगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगे, यानी कि हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने स्प्राइट को। दिस इज़ वेयर वी कैन क्रिएट मैनिपुलेट स्प्राइट्स एंड बैकड्रॉप्स। To switch between costume and the backdrop pane, select the desired thumbnail in the sprite info pane. तो जब भी हमने desirable, ठीक है, costume pane से backdrop pane में जाना है तो हम क्या करेंगे? desired thumbnail के ऊपर क्लिक करेंगे। Next है the sound pane. The last tab in the
in the top of left area of the interface allows us to create the and manipulate sound. तो sound का students relation ही sound के साथ होगा. We can even record your own. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एक साउंड को रिकॉर्ड करेंगे. हम अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी की रिकॉर्ड की आवाज़ को भी ले सकते हैं. और जब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो हमारा स्प्राइट वो बोलेगा, यानी कि वो अल्फाज जो हमने रिकॉर्ड करके दे रखे हैं वो साउंड किसके ज़रिए आएगी, हमें स्प्राइट के ज़रिए आएगी. टूल बार एंड ट्यूटोरियल. द टूल बार ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन अलाउज अस टू लोड एंड सेव प्रोजेक्ट्स. इट अलाउज टू अनडू द डिलीशन ऑफ स्प्राइट. स्टूडेंट्स ये हमारे पास टूल बार है. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम कर सकते हैं. हम अपनी जो सा है लोड कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं. उसके अलावा अगर हमने किसी स्प्राइट को डिलीट भी कर दिया तो हम उसको अनडू कर सकते हैं, यानी कि वापस ला सकते हैं. फाइंड अ वैरायटी ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन हाउ टू डू जस्ट अबाउट एनीथिंग इन स्क्रैच बाय क्लिकिंग द ट्यूटोरियल बटन. इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसके बारे में आपको नहीं पता, या आपको नहीं पता कि इसको कोड कैसे करना है, तो आप ट्यूटोरियल के ऊपर जाएंगे तो वो आपको एनिमेशन के ज़रिए बताएंगे कि आप ये काम किस तरह से कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.